हाय गाइस, दिस इज उज्जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ में एक नई जॉब अपडेट लेकर आ गई हूँ, और ये जॉब अपडेट किसी और से नहीं बल्कि अमेज़ॉन जैसे बिग ब्रांड के साथ में है। अमेज़ॉन का नाम तो आप में से किसने नहीं सुना होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू जैसा है। तो फ्रेंड्स, मास हायरिंग हो रही है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दैट वैकेंसी, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या जॉब लोकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये अमेज़ॉन ने जो वैकेंसी निकाली है, ये दो प्रोफाइल्स के लिए निकाली है। पहली है बिजनेस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट और दूसरी है सेल्स एसोसिएट। तो पहली प्रोफाइल जो है बिजनेस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना होगा, एक तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है और टेक्निकल सपोर्ट की टीम होती है, तो इनके साथ मिलके आपको काम करना है। मतलब जैसे कि कुछ भी होगा, डेटा प्रोवाइड करना है कुछ भी, ताकि आप क्वालिटी इन्हांस कर सके, तो इनके साथ में मिलके आपको काम करना होगा। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, मिनिमम कोई भी ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो जॉब लोकेशन है वो दो लोकेशन के लिए है, अप्लाई कर सकते हैं आप, एक तो हैदराबाद के लिए और दूसरा हो गया बेंगलुरु के लिए। और अमेज़ॉन की जो भी जॉब्स आती हैं उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। इसमें जो मिनिमम आपको एक चीज़ और भी चाहिए कि यू शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब कि आपको कुछ नहीं भी तो MS Excel तो आना ही चाहिए, नहीं आता तो भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप ये कोर्सेज कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। कहीं पर भी अप्लाई करना होगा आपको तो MS Excel तो आजकल सब लोग मांगते हैं। और उसके बाद में जो आपको चाहिए वो इसमें रोटेशनल शिफ्ट हो सकती है, आपको कोई भी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, मॉर्निंग भी और जैसे मतलब दिन की भी और रात की भी। लेकिन अभी इसमें आप इस बात के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी तो शायद से वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, घर में तो कोई भी काम कर सकता है। और जो दूसरी चीज़, इसका 5 days वर्किंग होगा एंड 2 days ऑफ होगा इसमें, और हर 3 से 4 महीने बाद में जो आपका ऑफ के दिन है वो बदलते रहेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी यानी कि सेल्स एसोसिएट के बारे में। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जैसे कि अमेज़ॉन साइट पे बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे अमेज़ॉन तो ग्लोबली काम कर रही है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को आपको, मतलब फ़िलहाल तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं, आपको अप्रोच करना है उनसे, मतलब नेगोशिएट करना है, क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने हैं, किसी भी तरीके से उनके बिज़नेस को बढ़ाना और अल्टीमेटली अमेज़ॉन के बिज़नेस को बढ़ाना। तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पर जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है बेंगलुरु। तो आप लोग अगर बेंगलुरु से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद में इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मतलब ईयर की कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, और अगर आपको एक्सपीरियंस है सेल्स में पहले से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको एक प्लस मिल जाएगा, आप प्रेफरेबल होगे। और ग्रेजुएशन है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स कर रखी है यानी कि जैसे MBA वगैरह कर रखा है, तो आप यू विल बी अ प्रेफरेबल कैंडिडेट फॉर देम। तो ये तो सारी इन चीज़ों की बात हो गई। एंड एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेल्स में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ओरल एंड रिटन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो हो गए, ये सब कुछ अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि सेल्स में बेसिकली आपको जो चीज़ काम आनी है वो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, कन्विंस किस तरीके से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, 2 लिंक हैं,
एक तो सेल्स के लिए और दूसरा बिजनेस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के लिए। तो बिजनेस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के लिए अलग से दो लिंक हैं और सेल्स के लिए एक लिंक है, क्योंकि दो लोकेशन में उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दो लिंक अलग से दूंगी। और ये दोनों ही लिंक आपको naukri.com के पेज पर लेकर जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कंपनी ने नहीं अपडेट किया, कंपनी ने ही naukri.com पे ये नौकरी जो है, मतलब ये जॉब खुद से अपडेट करिए। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको अमेज़ॉन के पेज पर लेकर जाएगा, आप अमेज़ॉन के पेज पे लैंड कर जाएंगे। अगर आपने पहले कभी अमेज़ॉन पे रजिस्टर किया था जॉब के लिए, तो आप वही वाली मेल आईडी यूज़ करके मतलब वापस से लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार ये आप रजिस्टर करेंगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो फिर आपको उसी की आईडी को यूज़ करके अपनी सारी डिटेल्स लिखनी, जैसे आपका नेम, सरनेम, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, बैचलर्स कब की थी आपने, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आप जब मेंशन कर देंगे, उसके बाद में आपको एक रिज्यूमे भी देना है। रिज्यूमे आपको पीडीएफ डॉक्स, वो तो फॉर्मेट वहाँ पर मेंशन होगा कि किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास में मतलब वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर से कैफ़े वगैरह से निकलवा लीजिए, या फिर खुद भी आजकल तो फ़ोन में भी सारे फीचर्स होते हैं, तो आप कर सकते हैं वहाँ से करके। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक मेल आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक अमेज़ॉन का जैसे अभी तो बहुत तेज़ी से हायरिंग चल रही है, तो साथ के साथ ही मेल आ रहा है, वैसी मेल आएगा, और एक असेसमेंट टेस्ट के लिए आपको मेल आ जाएगा। और एक तो आपको दो तीन मेल्स आते हैं, जैसे आपने अप्लाई कर दिया तो फिर थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन ऐसे करके, एंड द नेक्स्ट असेसमेंट के लिए एक मेल आएगा। उसमें असेसमेंट का लिंक होगा, पासवर्ड होगा, यूज़र नेम होगा, तो आपको वो टेस्ट विद इन 48 आवर्स देना होता है। तो आप उस मेल को मिस मत करिएगा, जैसे ही आपको मेल आता है विद इन 48 आवर्स आप वो टेस्ट दे दीजिएगा, अदरवाइज लिंक एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, उस लिंक पे मेल आईडी से आप क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट आपका जैसे टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए, मतलब जैसे आपको लैपटॉप पे टेस्ट देना है, लैपटॉप पे आप दे सकते हैं शायद से, तो फ़ोन पे भी चल जाता है, पर मेरे को फ़ोन का एग्जैक्टली पता नहीं है, ट्राई कर सकते हैं आप। और फिर उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस उन्होंने लिखी हैं कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए, वो तो आप रीड आउट कर लीजिएगा और फिर आप अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको टेस्ट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेस्ट में तीन सेक्शंस में टेस्ट होने वाला है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें वो बेसिक ग्रामर के ही क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इंग्लिश का टेस्ट है। तो जब आप वो वाला टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट टेस्ट है कुछ सेंटेंसेस सुनाई देंगे बेसिकली। तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन याद है, मैंने खुद ने वो टेस्ट दिया था, तो मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको एक पैराग्राफ वहाँ पर दिख रहा था, उस पैराग्राफ को आपको देख के विद इन 1 मिनट, आई होप 1 मिनट, नो इट इज़ नॉट 1 मिनट, आई होप इट इज़ 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स में उस पैराग्राफ को देख के आपको लिखना है, क्योंकि वो आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे। तो आप हो सकता है थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिएगा अपनी, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप तेज़ी से टाइप करें, और वहाँ पर आपको ग्रामर का, स्पेलिंग का, पंचुएशंस का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप टाइप कर सकते हैं जितने कम टाइमिंग में। फिर नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस सुनाई देंगे और आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे, उन 30 सेकेंड्स में आपको वो सेंटेंसेस लिखने हैं। तो जैसे फॉरेन एक्सेंट है, ऑफकोर्स उनका जो भी सुनाई देगा, तो जिसको आदत नहीं है फॉरेन एक्सेंट सुनने की, उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा, इससे पहले आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह कुछ फॉरेन एक्सेंट में देख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा हैबिट हो जाए, क्योंकि हमें जिस आवाज़ को सुनने की हैबिट नहीं होती है वो हमें सुनाई ही नहीं देती है। उसके बाद में हाँ, इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर एंड में आपको एक ईमेल मिलेगी, कि मतलब ईमेल का सब्जेक्ट दिया होगा कि आपको ऐसे एक ईमेल बिजनेस पर्पस के लिए बेसिकली लिखना है। तो आप इस तरीके की ईमेल्स को भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से लिखनी होती है। उसके बाद में हम जब वो वाला टेस्ट क्लियर कर लेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे थर्ड टेस्ट के लिए। एंड थर्ड टेस्ट जो है उसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो वैसे उन्होंने वहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए होते हैं,
कि बकायदा ये किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो पहले अगर आप तीन चार हर जगह पे तीन चार एग्जांपल्स हैं, उन तीन चार एग्जांपल्स को आप देख लेंगे कि हाँ ये किस तरीके से किए गए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। और फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो जब आप ये तीनों टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके साथ ही आपको मेल आ जाएगा कि आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया है या फिर नहीं कर लिया है। तो आपको ज़्यादा इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा कि आपको विद इन 48 आवर्स ये टेस्ट कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपका चांस चला जाएगा। तो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो इसे फिलअप करने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि हम अप्लाई किस तरीके से करें, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो और सब कुछ समझ आ गया हो। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए, इसी तरीके के न्यू न्यू जॉब अपडेट्स के लिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं इसी तरीके के न्यू जॉब्स लेकर आती रहूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।